नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुपर सिक्स, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज खबरों में बात होगी यूपी मॉडल की, जिसकी मांग अब एमपी में होने लगी है और इस पर सियासत भी गर्मा चुकी है। क्या है पूरी मॉडल बताएंगे आपको, इसके अलावा दिखाएंगे कैसे लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, पूरी खबर दिखाएंगे। वहीं बात होगी एक वीडियो की, जिसे लेकर माता पिता परेशान भी हैं और गुस्से में भी हैं। पूरा मामला विस्तार से बताएंगे। साथ ही खबरों में आपको एक अनोखी चोरी का मामला भी दिखाएंगे, कहां का ये मामला है ये भी बताएंगे। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सूरजपुर में सिस्टम पर सवाल उठ रहे हैं, पूरी खबर दिखाएंगे। इसी के साथ ही बस्तर में हो रही बारिश ने कैसे परेशानी बढ़ा दी है ये भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात यूपी मॉडल की करेंगे। यूपी की तर्ज पर एमपी में दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखने की मांग अब होने लगी है। बीजेपी विधायक ने भी बयान दिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव को, इसे लेकर पत्र भी लिखा। तो वहीं इस मामले पर सियासत भी होने लगी है, ये रिपोर्ट देखिए। एमपी में यूपी मॉडल की मांग होने लगी है, यानी दुकानों पर दुकानदार का नाम लिखा हो, इसे लेकर मांग की गई है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि ऐसा करने से दुकान और दुकानदार दोनों की गुडविल बनेगी। रमेश मेंदोला की मांग का बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला ने समर्थन किया। बीजेपी विधायक ने कहा कि जहां जहां से कांवड़ यात्रा निकलेगी, उस रास्ते की दुकानों पर मालिक का नाम लिखा हो। यही नहीं, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर मांस मटन की दुकानों पर पाबंदी की भी विधायक ने मांग की। मैं यूपी के मुख्यमंत्री से सहमत हूँ, योगी जी से। आइडेंटिटी होना बहुत ज़रूरी है। हमारी कांवड़ यात्रा जिस मार्ग से निकले, उस मार्ग के बाहर जितने भी बोर्ड लगे हैं, उन बोर्डों पे आइडेंटिटी होना आवश्यक है कि वहाँ उनका नाम, उनकी दुकान का नाम और उनका पता कि ये राजेंद्र दीक्षित है, फलाना इसकी दुकान है, उसमें बुराई क्या है, नाम लिखा होना चाहिए। और किसी ने अगर छुपाया तो फिर? छुपाया तो फिर उससे निपटेंगे अपने तरीके से। मांस मटन की दुकान को भी प्रतिबंधित, जिस मार्ग से कांवड़ यात्रा निकल रही है उस मार्ग से मांस की दुकानों पे कम से कम वो दुकानें पूरी तरह से ब्लैक कांच, काले कांच या पर्दे से ढकी होना चाहिए। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे होने की मांग का समर्थन किया। पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रदेश में अगर नियम बनता है तो ये अच्छी बात है। कि अपनी स्वयं की आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में किसको आपत्ति है? नियम में भी किसी भी दुकान के बाहर आपको प्रोपराइटर का नाम लिखना है, तो अपने संस्थान का नाम और प्रोपराइटर का नाम यदि लिखते हैं तो अच्छी बात है, पता रहे ना। मान लो किसी ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी हो, ग्राहकों के नियम का उल्लंघन हो, तो वो ग्राहक किस प्रोपराइटर को नोटिस दे, ये मालूम होना चाहिए। और अगर रमेश मेंदोला जी ने इस बात के नियम नहीं है और नियम बनाने के लिए चिट्ठी लिखी है तो ये स्वागत योग्य है। बीजेपी जहां रमेश मेंदोला की मांग का समर्थन कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने एतराज जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार ने सीएम को पत्र लिखा और बीजेपी पर जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक द्वारा की गई ये मांग, ये बेहद आपत्तिजनक मांग है। और इसका कारण ये है कि आप देखें कि दलितों के खिलाफ आज भी इस समाज में पूर्वाग्रह जो है मौजूद है। कई जगह हमने जैसी देखी जहाँ मिड डे मील तक में भी क्योंकि दलित समाज की महिलाओं ने वो भोजन बनाया तो उसको खाने से बच्चों ने मना कर दिया है। और लगातार दलितों के द्वारा जो भोजन बनाने वाली संस्थाएं हैं, कई बार उन्हें पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैंने ये पत्र मुख्यमंत्री जी को लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने ये जो मांग की है, ये मांग गलत है। कांग्रेस भले यूपी की तर्ज पर खाने पीने की दुकानों पर दुकानदारों के नाम लिखे होने की मांग को चिंताजनक बता रही हो, लेकिन ये नियम पहले से है और इसे कांग्रेस की यूपीए सरकार ने ही बनाया था। क्या है नियम? खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाइसेंस का प्रावधान, फूड लाइसेंस ऐसी जगह हो जहां देखा जा सके, 12 लाख के टर्न ओवर पर लाइसेंस लेना अनिवार्य, 12 लाख से कम टर्न ओवर पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, फूड लाइसेंस ना होने पर 10 लाख का जुर्माना। 2011 में प्रावधानों को किया गया लागू। कांवड़ यात्रा को लेकर खाने पीने की दुकानों के नाम को लेकर यूपी सरकार ने आदेश जारी किया था। आदेश विवाद से बचने के लिए जारी किया गया था, लेकिन इस पर सियासत गर्मा गई और अब इसकी आंच एमपी तक पहुंच गई है।
हालांकि नियम पहले से हैं और विरोध करने वाली कांग्रेस भी इसे जानती होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मुरैना और श्योपुर में लोग जान हथेली पर रखकर यात्रा कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। खास बात यह है कि प्रशासन को भनक तक इसकी नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी से खिलवाड़, लापरवाही जान पर भारी। ताक पर नियम। क्या सर, ये इनसे बैठ रहे हैं पानी की वजह से। ज्यादा कमाई का लालच ऐसा है कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। यकीन ना आए तो इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर ऑटो सरपट दौड़ रही है। ऑटो के अंदर तो लोग बैठे ही हैं, छत पर भी लोग हैं। यही नहीं, कुछ लटके पड़े हैं। तस्वीरें श्योपुर की हैं। अब अंदर की तस्वीर भी देख लीजिए। जैसे तैसे लोग बैठे हैं, कुछ खड़े भी हैं। जिस ऑटो में 3 लोगों को बैठाने की जगह होती है, वहां 25 से 30 लोगों को बैठाने का इंतजाम किया गया है। जरा सोचिए, अगर हादसा हुआ तो कितने लोगों की जान पर बनाएगी। लेकिन ना तो ऑटो में बैठे लोगों को चिंता है, ना ही ड्राइवर को। सर, ये इनसे बैठ रहे हैं पानी की वजह से। इतनी सवारी है तो शर्म नहीं आ रही। 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऑटो है क्या? हवाई जहाज है। धान वाले। अब नियमों को ताक पर रखने और प्राइवेट बस संचालक की मनमानी की करतूत देखिए। सड़क पर युवक बेसुध पड़ा है। कुछ लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। बस खड़ी है। तस्वीरें मुरैना की हैं। अब पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल बस जब अंदर से खचाखच भर गई तो यात्रियों को छत पर बैठा दिया गया। ओवरलोडेड बस में छत पर 12 से ज्यादा यात्री सवार हो गए। बस के अचानक ब्रेक लगाने से छत पर बैठा युवक नीचे आ गिरा और उसकी जान पर बनाई। दोनों ही मामलों में ट्रैफिक पुलिस नदारद दिखी। ट्रैफिक नियमों की अनदेखी तो है ही, साथ ही ये लोगों के जीवन से खिलवाड़ भी है। लेकिन ये लोगों को भी समझना होगा, जल्दी पहुंचने के चक्कर में लोग अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं और यही वजह है कि हादसे में जान भी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गुजरात के वडोदरा से एक बेहद ही परेशान करने वाली घटना सामने आई है। यहां एक स्कूल में अचानक दीवार ढह गई, जिसकी चपेट में कुछ बच्चे आ गए और घायल हो गए। घटना के बाद अभिभावक भी बेहद खौफ में हैं। रिपोर्ट देखिए। स्कूल में हादसा, धड़ाम से गिर गई दीवार। गुजरात के वडोदरा से ये खौफनाक वीडियो सामने आया है, जो किसी भी माता पिता को परेशान करने वाला है। वडोदरा के एक प्राइवेट स्कूल की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसके बाद तो चीख पुकार मच गई। किसी को कुछ समझ में नहीं आया। हादसे के वक्त क्लास में बच्चे मौजूद थे। कोई खाना खा रहा था तो कोई आपस में बात कर रहा था, लेकिन अचानक दीवार में हलचल हुई और वो धराशायी हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो बेहद ही भयंकर है। आगे की बेंच पर 4 बच्चे दिख रहे हैं, तो वहीं पीछे के बेंच पर 5 बच्चे हैं। तभी अचानक दीवार गिरी और कुछ बच्चे उसकी चपेट में आ गए। सबसे पीछे की बेंच में बैठा बच्चा वहां से दौड़ता दिखा। इसके बाद तो क्लास के सभी बच्चे डर गए और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। स्कूल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्कूल के दूसरे टीचर भी क्लासरूम में पहुंचे और दूसरे बच्चों को वहां से हटाया गया। कहा जा रहा है कि स्कूल की इमारत 4 मंजिला है। पहली मंजिल में यह हादसा हुआ। इस दौरान स्कूल परिसर में जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और मिट्टी का गुबार उठ गया। 6 बच्चे दीवार के साथ नीचे जा गिरे। सभी को चोट आई है। एक बच्चे को ज्यादा चोट लगी है। इसके बाद सभी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया। वडोदरा के श्री नारायण विद्यालय की ये घटना बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्कूल की बिल्डिंग काफी जर्जर हालात में थी, जिसकी मरम्मत नहीं हुई थी। स्कूल में हादसे के बाद एक बार फिर लापरवाही उजागर हो गई।
स्कूल प्रशासन तमाम दलीलें दे रहा है, लेकिन उसकी लापरवाही बच्चों की जान पर भारी पड़ सकती थी। अभिभावक भी बेहद नाराज है। उनका कहना है कि स्कूल मोटी फीस ले लेते हैं, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कहते हैं बदमाशों का ना कोई ईमान होता है और ना कोई धर्म। अगर ये होता तो अपराध आखिर वो क्यों करते, ऐसा काम क्यों करते जिससे किसी को नुकसान हो। खरगोन से बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया। कहां है ये मामला, आइए जानते हैं। पहले उतारी चप्पल, फिर बजाई घंटी, माता के किए दर्शन। ये तस्वीरें खरगोन के मेनगांव थाने के राजपुरा गांव की हैं। तस्वीरें रेणुका माता मंदिर की हैं। देर रात मंदिर में दो लोग पहुंचते हैं। तस्वीरें देखिए। मंदिर में जाने से पहले एक शख्स ने चप्पल उतारी, फिर घंटी बजाई और पीछे खड़ा दूसरा शख्स भी चप्पल उतारता दिखाई दिया। एक और तस्वीर देखिए, जिसमें शख्स माता का दर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बीच वो सीसीटीवी कैमरा की तरफ भी देखता है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद शख्स ने जो कुछ किया वो हैरान कर देने वाला है। एक और तस्वीर देखिए, इसमें चेहरे पर कपड़ा डला हुआ है। सीसीटीवी से बचने के लिए शख्स ने अपने चेहरे को ढक लिया है। इसके बाद युवक ने रेणुका माता के सोने के मुकुट और दान पेटी में रखी रकम पर हाथ साफ कर दिया। मंदिर में दर्शन के बहाने घुसे ये दोनों असल में चोर हैं, जो मंदिर में चोरी करने के इरादे से आए। चोरी का सबूत न रहे इस लिहाज से दोनों ने सीसीटीवी कैमरा ही तोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना कोई सुराग वो छोड़ ही देता है, और इस मामले में भी यही हुआ। एक सीसीटीवी कैमरे में इनकी पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई। पुलिस को ये शक है कि ये चोर आसपास के इलाके के ही हैं। सीसीटीवी के आधार पर दोनों चोरों की तलाश की जा रही है। मंदिर में चोरी की इस घटना की चर्चा भी काफी हो रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। बस्तर में भारी बारिश ने मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। कई जगहों पर आवाजाही पर ब्रेक लग चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में मॉनसून मेहरबान हुआ है, लेकिन ये मेहरबानी लोगों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं। लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। तस्वीरें सुकमा की हैं। यहाँ गोदावरी और शबरी नदी का बारिश के बाद जलस्तर बढ़ गया है। NH-30 पर जाम लगा है। रबोर पुल और बिरला पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, इस वजह से आवाजाही बंद हो गई है। वहीं शबरी नदी के किनारे रह रहे लोगों को घर छोड़ना पड़ गया है। सुकमा की एक और तस्वीर देखिए, जगरगुंडा के मल्लेबाग में बारिश के बाद नाला उफान पर है, लेकिन लोग अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। पानी के तेज बहाव के बावजूद लोग नाले को पार कर रहे हैं। इस इलाके में दो दिन से लगातार बारिश हो रही है। उधर दंतेवाड़ा में भी पिछले 24 घंटे से लगातार बारिश के बाद जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहाँ तेज हवा के साथ हुई बारिश के बाद बचेली मार्ग पर एक पेड़ गिर गया। पेड़ के गिरने की वजह से बचेली और दंतेवाड़ा के बीच आवाजाही काफी देर तक बंद रही। जाम में घंटों लोग परेशान होते दिखे। तस्वीरें बीजापुर की हैं। भारी बारिश के बाद भैरमगढ़ बस स्टैंड तालाब में तब्दील हो गया। वहीं इंद्रावती, मिंगाचल, बासागुड़ा, ताल पेरू नदी उफान पर है। यहाँ गंगालूर चेरपाल मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है। कांकेर में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। दुध नदी, खंडी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। खंडी नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से संबलपुर चवेला मार्ग बंद हो गया है। तस्वीरें कोंडा गांव की हैं। यहां भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। नारंगी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जोंधरा पदर और बमनी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, लिहाजा एहतियातन पुल से गुजरने पर पाबंदी लगा दी गई है। लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं।
कई रास्ते बंद हैं, ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो ये तो बात हुई मुसीबत की, लेकिन बारिश के बाद छत्तीसगढ़ और बस्तर की शान कहलाने वाले चित्रकोट जलप्रपात की खूबसूरती देखते ही बन रही है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरता इंद्रावती नदी का पानी लोगों को रोमांचित भी कर रहा है। इसे देखने दूर दूर से पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। मिनी नियाग्रा कहे जाने वाले चित्रकोट इस समय बारिश में अपनी खूबसूरती बिखेर रहा है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला यह प्रपात देख सकते हैं, बड़ी ही खूबसूरत का नज़ारा है। घोड़े के नाल की आकार की ओर की तरह चित्रकोट वाटरफॉल गिरता है और बारिश के समय में, मानसून के समय में और इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं कि दूर दराज से कई पर्यटक पहुँचे हैं चित्रकोट को देखने। मैम, कहाँ से आए और कैसा नज़ारा मिला? रायपुर से आए हैं और बहुत ही रमणीय जगह है, बहुत सुंदर जगह है और जाने का मन नहीं कर रहा है यहाँ से। छत्तीसगढ़ की शान है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की शान है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर है बस्तर जो है। भुवनेश्वर। क्या नाम है आपका? उत्तर रंजन जोशी। कहाँ से आए? भुवनेश्वर। कैसे आए? बाइक से आए। कितने लोग आए? हम 5 जन आए। तो इसी को देखने आए? हाँ, बस इसी को ही देखने आए थे। क्या सुना था? ये सुना था तो बहुत अच्छा वाटरफॉल है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, वोटिंग होता है। अभी तो नहीं हो रहा है मौसम की वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा पानी है, पर जितना सुने थे उससे ज़्यादा अच्छा है। इसी को देखने आए थे? जी देखने ही आए थे। रायपुर। रायपुर से? हाँ। पहली बार आए? नहीं। कैसा रहा चित्रकूट वाटरफॉल, कैसा है? बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली ससुराल है यहीं पे, तो मैं फ्रिक्वेंटली आते रहता हूं। अच्छा, ये वैसे वाटरफॉल कहीं और? नहीं इससे, मतलब MP भी घूम, मतलब भेड़ाघाट से भी मेरे को बहुत सुंदर लगता है। भेड़ाघाट से भी सुंदर है जी। हर साल आते हैं आप? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का नियाग्रा बोलते हैं, तो वाकई में ये है वैसा। तो बिल्कुल, यहाँ के जो आने वाले पर्यटक है इसे नियाग्रा भी कहते हैं और यहाँ आने के बाद एक सुकून का पल भी गुजार रहे हैं और फिर परिवार के साथ सेल्फी और फोटो भी ले रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ पर वाटरफॉल के नज़दीक सेल्फी लेने के लिए मनाही की गई है, चूँकि खतरा कभी बढ़ जाता है तो पर्यटकों को दूर से ही चित्रकूट का जो नज़ारा है देख रहे हैं। और इसी के साथ ही यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।